उसके अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर है फ्रांस का, वो सूरज का रेप्लिका बना रहे हैं, एक छोटा सूरज बना रहे हैं। अगर सूरज का 1% भी अगर अर्थ पे रेप्लिका बनाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स पूरी हो जाती है। तो इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है, वो सूरज का रेप्लिका बनाने पे काम कर रहे हैं हम, वो सूरज पे सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? देवक जी, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो 500 फीट झंडा बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त पे। सुनिए आपने न्यूज़? देखें, जो टाटा ग्रुप का, पहले आईफोन की अगर बात करूं तो आईफोन का कोई एक मैन्युफैक्चरर नहीं है, फॉस्कॉन है, विस्ट्रॉन है, डेकाट्रॉन है, पेंटाट्रॉन है, ये इस तरह के बहुत सारे, सारी ताइवान की कंपनीज हैं, कोई एक कंपनी नहीं बनाती आईफोन। सबसे बड़ी इनमें से फॉस्कॉन है। तो इंडिया में फॉक्सकॉन के पहले से 3 प्लांट है, विस्ट्रॉन के 2 प्लांट है, दूसरी भी एक एक प्लांट उनका भी है बाकियों का। अब टाटा ने क्या किया है कि जो विस्ट्रॉन के जो 3 प्लांट, 2 प्लांट है विस्ट्रॉन के, उसमें 2 प्लांटों में से 1 प्लांट टाटा ने खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि जो उसकी जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप वगैरह जो है, वो हर चीज टाटा के पास आ गई, वो आईफोन उसके अंदर बनाएंगे। आपने क्या किया, एक फॉरेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट को इजी कर दिया, उनको आपने मनी इजी कर दिया। तो अब वो क्या, विस्ट्रॉन दूसरा प्लांट लगाएगी। परचम पे झंडा, चांद होने से और चांद पे पैर होने से, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का चांद पे पैर है और हमारे परचम पे चांद है। चांद तो मैं अभी पेन लेके अपने हाथ पे भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले से की थी, कम्युनिकेशन जो होते हैं, लियो मियो जियो सैटेलाइट्स होते हैं 3 लेवल पे, उसके नीचे होते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। ट्रांसपॉन्डर के स्लॉट हर कंट्री को खरीदने पड़ते हैं। तो इंडिया बहुत एग्रेसिवली पूरी दुनिया में ट्रांसपॉन्डर के स्लॉट इसरो खरीदता जा रहा है, बिट करता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे मुल्कों को भी देंगे। अभी जैसे निसार सेटेलाइट है जो अमेरिका ने बनाई है, पर उसे लॉन्च इंडिया करेगा, दोनों की पार्टनरशिप में। वो पूरी दुनिया की जियोग्राफी, क्लाइमेट, इन चीजों को पढ़ेंगे कि दुनिया में कब अर्थक्वेक आएगा, कब हरिकेन आएगा, नेशनल क्लाइमेट टी, नेशनल डिजास्टर कब आएगा। तो एडवांस में वो पूरी दुनिया को मदद करेंगे अपनी जाने बचाने के लिए, प्री प्लान करने के लिए, और जो नेचुरल डिजास्टर प्लानिंग होती है उसके अंदर। तो इंडिया के लिए देखें, अगर स्पेस सेक्टर की बात करें ये है, बाकी अगर आगे गोल की बात करें, 4 साल में उनका 3 ट्रिलियन, 4 साल में वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इधर मुल्क चल रहा है आइडियोलॉजी पे, जो लीडर आता है अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है। अभी शहबाज शरीफ है तो उनकी आइडियोलॉजी है, कल कोई और होगा उसकी आइडियोलॉजी होगी। तो हमारे जितने भी ऊपर बंदे चेंज हुए, हर बार एक नई आइडियोलॉजी आई है। कानून को तो कभी लेके ही है ना, कानून, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई पॉलिसीज, ना इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी नहीं। और देखें, हमारी वैसी सोसाइटी अब एंटी एजुकेशन हो चुकी है। तो बेसिकली 21st सेंचुरी में अगर आप एंटी एजुकेशन है, तो आपके अंदर और अमेजोन ट्राइब में, अमेजोन जंगलों में जो वो ट्राइब ट्राइबल लोग रहते हैं ना, उनमें कोई कोई फर्क फर्क नहीं है नहीं ज्यादा, है, कोई फर्क नहीं है। वो आपसे बाय द वे ज्यादा बेहतर है। जी ने, जो कि पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच देविक जी फॉर योर टाइम। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। प्लेयर इज ऑल माइन। देविक, आज मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आपने गेस करनी है बीइंग अ पाकिस्तानी की ये स्टेटमेंट किसकी है। डियर इंडिया, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन इनसेन मिशंस लाइक चंद्रयान और सेंडिंग इडियट्स लाइक अभिनंदन फॉर द टी टू अक्रॉस LOC, कंसंट्रेट ऑन पॉवर्टी विद इन योर अप्रोच on Kashmir will be another Chandrayaan, just price tag will be far bigger. ये स्टेटमेंट 2019 की है, क्या आप बता सकते हैं किसकी है ये स्टेटमेंट? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो फवाद चौधरी की है, और उनकी तो और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी टीवी चैनल्स वगैरह पे, तो ये उनमें से एक है जो इन्होंने ट्विटर पे लिखी थी। तो और इनके जैसे और भी थे, कोई अकेले तो थे नहीं। और कॉमन सेंस की वजह से पाकिस्तान में कमी है, तो पाकिस्तानियों को क्या बोले कि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, 1 सक्सेसफुल हुआ था। ऐसा इंडिया ही को है। पर... अब विवेक जी, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। फवाद हुसैन चौधरी, पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के फॉर्मर मिनिस्टर जी की ये स्टेटमेंट थी 2019 में, जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था। फेल भी नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ ही फासला रहता था जहां पे जाके उन्होंने लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका वो। अब यही फवाद चौधरी जी ने 2023 के अंदर दोबारा चंद्रयान 3 के लॉन्च होने पे दोबारा स्टेटमेंट भी लॉन्च कर दी है,
अब अगली स्टेटमेंट सुनिए, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर लॉन्चिंग चंद्रयान 3, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, जिस पे इन हिंदुस्तान के अवाम बहुत ट्रॉल कर रहे हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके क्या एनालिसिस करते हैं? पहली चीज के उस वक्त ये रूलिंग में थे, अब अपोजिशन में, दूसरा 5 साल का गैप है तो शायद पढ़ लिया होगा इन लोगों ने बहुत कुछ स्पेस के बारे में, और इनको अपनी इस पार्कों का भी असलियत इनको पता चल गई होगी, तो यही फर्क है। अगर इंडिया पहला मुल्क था जो चांद पे पानी ढूंढा था, चंद्रयान 1 जो उनका मिशन था उसके जरिए ही दुनिया को पता चला कि चांद पे पानी है जो इंडिया ने ढूंढा था, तो यही तो पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तानियों को अपना पता नहीं है और दुनिया पे कमेंट करना है, तो ये तो सारे पाकिस्तान का ही मसला है, ऊपर से लेके नीचे आवाम तक जाए। तो अगर आप इंडिया के चंद्रयान 3 का देखें, वो अभी चला गया है, 24 अगस्त को वो पहुंचेगा, ऑलरेडी 50% सक्सेसफुल हो गया, रिमेनिंग 50 का हमें पता चल जाएगा 24 अगस्त को, तो तब हम देखेंगे क्या होता है। अगर ये जाता है और 100% सक्सेसफुल होता है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा जो चांद पे लैंड कर रहा है, और दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। साउथ पोल पे आज तक किसी ने भी लैंड नहीं किया, तो इंडिया वो पहला होगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा। और इंडिया अपने स्पेस सेक्टर में बहुत आगे चला गया, स्पेस सेक्टर सिर्फ एक्सप्लोरेशन की हद तक नहीं है, स्पेस सेक्टर के अंदर हजारों ऐसी चीजें आती हैं, स्पेस टूरिज्म आता है, स्पेस माइनिंग आती है, आप जैसे अभी उन लोगों ने नेविक निकाला है, इंडिया ने अपना GPS सिस्टम बनाया, इंडिया की डिफेंस की अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट्स बनाई जा रही हैं, इंडिया की अपनी कंपनियां बना रही हैं, इंडिया में तो 146 स्पेस स्टार्टअप्स हैं जिसमें से तकरीबन 50% सक्सेसफुल है, बाकी 50% अभी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसरो है। फिर आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके डिफेंस टेक्नोलॉजीज को हेल्प करती हैं। अगर आप डिफेंस में देखें जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं या एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो होते हैं, ASAT जिसे कहते हैं, उन दोनों में जो इंजन यूज होते हैं वो स्पेस रॉकेट वाले ही इंजन यूज होते हैं, उनके अंदर स्क्रैमजेट यूज नहीं होता और उनके अंदर सॉलिड फ्यूल जाता है, उनके अंदर लिक्विड फ्यूल भी यूज नहीं होता। तो सॉलिड फ्यूल जो मीथेन का होता है वो आपका स्पेस से आता है, तो ये पाकिस्तानियों को कुछ भी, ये बस मजाक उड़ाना है। वो अभिनंदन को भी ले गए, अभी तो अब हमें ये भी पता चल गया कि अभिनंदन को किस तरह लेके गए, तो आज हमें वो भी पता चल गया स्पेस में क्या हाल है, वो उन लोगों ने शायद सीख लिया होगा 5 साल में फवाद चौधरी ने, तब जाके ये ऐसी ट्वीट की है। दूसरा एक और चीज ये कि उस वक्त रूलिंग में थे, अभी अपोजिशन में है, ये भी एक बहुत फर्क है। दिवेक जी, पीएम मोदी जी की जानिब से एक और स्टेटमेंट भी आई कि लोग हमेशा से अपनी इन तमाम चीजों को, इन तमाम सोर्सेज को, पिछले जितने भी मुल्क हैं, अगर चाइना की बात की जाए, रशिया की या अमेरिका की, तो उन्होंने हमेशा अपनी स्पेस मिशंस को वेपन्स के तौर पे यूज किया है, मगर हम लोग ये काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, हम वहां से मिनरल्स लेके आएंगे, हमारा ये पाया तकमील तक पहुंच जाता है, तो इससे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत फायदा होगा। उनकी एक जानिब इस स्टेटमेंट को, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि पूरा जो दुनिया है वो हमारी धरती में और इस पूरी की रक्षा करना हमारा फर्ज है, एक जानिब इस स्टेटमेंट को, और दूसरी जानिब को भी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पाकिस्तान से आ रही होती है ग्रत से भरी हुई, तो कभी फवाद हुसैन चौधरी की हिपोक्रेसी वाली स्टेटमेंट्स, इन तमाम चीजों को अगर कंपेयर करें तो कहाँ स्टैंड करता देखना आप दोनों कंट्रीज को? नहीं, मोदी जी की स्टेटमेंट आपने गलत कोट की, उन्होंने कहा है कि ये स्पेस में सिर्फ आप डिफेंस के लिए नहीं है, स्पेस डिफेंस के अलावा भी बहुत कुछ है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि स्पेस को डिफेंस के लिए यूज करती हैं दूसरी कंट्रीज, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके ही तो अभी निसार सैटेलाइट छोड़ रहा है, तो निसार सैटेलाइट अमेरिका की नासा के साथ पार्टनरशिप है उनकी, वो ऐसा बोल नहीं सकते। हमारा मेजर मिशन जो है, हमेशा कंट्रीज का जो मेजर मिशन रहा है वो इसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना रहा है, मगर हमारा मेजर मिशन ह्यूमैनिटी है, हमारा मेजर मिशन इंडिया नहीं है सिर्फ, हमारा मेजर मिशन पूरी दुनिया की इंसानियत है, हम उसके लिए काम कर रहा हूं ना, उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं कहा ना, वही फर्क है, नहीं तो इंडिया का अपनी भी स्पेस फोर्स है, इंडिया ने अपनी स्पेस फोर्स अनाउंस कर दी है, इंडिया के पास ASAT मिसाइल्स है, इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क है जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, तो पर्टिकुलरली नहीं कहा। आप देखिए स्पेस से अभी इंडिया जो एक और मिशन छोड़ा है आदित्य L1, वो सूरज को जाके स्टडी करेगा, तो जो भी उसकी स्टडीज है वो इस्तेमाल की जाएंगी ITER में, ITER जो फ्रांस में प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 16 मुल्क मिलके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
2032 तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। उसके अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर पार्टनर है फ्रांस का। वो सूरज का रेप्लिका बना रहे हैं, एक छोटा सूरज बना रहे हैं। अगर सूरज का 1% भी अगर अर्थ पे रेप्लिका बनाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स पूरी हो जाती है। तो इंडिया अलग लेवल पे चल रहा है, वो सूरज का रेप्लिका बनाने पे काम कर रहे हैं हम, वो सूरज पे सैटेलाइट भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? देविक जी हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो 500 फीट झंडा बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त पे। सुनिए आपने न्यूज़। उससे क्या हो जाएगा? उससे 400 मिलियन आपके जाया हो गए। 400 मिलियन कितने हो गए? मेरे ख्याल से 40 करोड़। इससे अच्छा 40 करोड़ मेरे को ही दे दो, बह जाके कहीं घूम के ही आ जाओ। 40 करोड़ का एक डंडा लगा के झंडा, उससे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का परचम और नाम दोनों ऊंचे होंगे। देखिए फर्क है ना, परचम पे झंडा चांद होने से और चांद पे पैर होने से, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया का चांद पे पैर है और हमारे परचम पे चांद है। चांद तो मैं अभी पेन लेके अपने हाथ में भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा ही है, ये वो चीजें हैं जो हम 75 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी तक हम इसमें नाकाम हैं। अच्छा अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इंडिया हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत सीरियस रहा है अपनी कंट्री के अंदर। एप्पल की कंपनी उन्होंने चाइना से उठा के आईफोन अपने कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लिया। तमाम मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो और कंट्रीज में मैन्युफैक्चर होती थी, इंडिया ने खुद को इतना स्टेबल किया कि बगैर कहे वो तमाम कंपनीज उठ के इंडिया में इन्वेस्ट करने पे खुद ही एग्री हैं। अब टाटा ग्रुप्स की जानिब से एक बात सामने आई है। टाटा ग्रुप्स चाहते हैं कि आईफोन 15 और 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया हो, बाय टाटा ग्रुप्स हो हिंदुस्तान के अंदर। तो अब वो आईफोन भी अपना मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। सितंबर के अंदर लॉन्च होना है आईफोन 15, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अब हमें टाटा ग्रुप्स के थ्रू इंडिया के अंदर मिलेगी। इस पे क्या राय रखते हैं? देखें जो टाटा ग्रुप का, पहले आईफोन की अगर बात करूं तो आईफोन का कोई एक मैन्युफैक्चरर नहीं है। फॉस्कॉन है, विस्ट्रॉन है, डेकाट्रॉन है, पेंटाट्रॉन है, ये इस तरह के बहुत सारे, सारी ताइवान की कंपनीज हैं। कोई एक कंपनी नहीं बनाती आईफोन। सबसे बड़ी इनमें से फॉस्कॉन है। तो इंडिया में फॉक्सकॉन के पहले से 3 प्लांट है, विस्ट्रॉन के 2 प्लांट है, दूसरी भी एक एक प्लांट उनका भी है बाकियों का। अब टाटा ने क्या किया है कि जो विस्ट्रॉन के जो 3 प्लांट, 2 प्लांट है विस्ट्रॉन के, उसमें 2 प्लांटों में से 1 प्लांट टाटा ने खरीद लिया। तो अब क्या हुआ कि जो उसकी जो मैनेजमेंट ओनरशिप वगैरह जो है वो हर चीज टाटा के पास आ गई, वो आईफोन उसके अंदर बनाएंगे। आपने क्या किया, एक फॉरेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट को ईजी कर दिया, उनको आपने मनी इजी कर दिया। तो अब वो क्या है, विस्ट्रॉन दूसरा प्लांट लगाएंगे। ये थोड़ी ना कि विस्ट्रॉन अब निकल गए, विस्ट्रॉन अब और प्लांट लगाएगी, उनके पास पैसा आ गया ना, एक प्लांट उन्होंने बेच दिया टाटा को। इसके बाद टाटा ग्रुप ने अपनी एक नई सब्सिडियरी टाटा इलेक्ट्रॉनिक शुरू की है, जिसके 3,500 करोड़ का प्लांट लग रहा है तमिलनाडु में। तो उस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, आईसीज होते हैं ये, या मदरबोर्ड्स जो मोबाइल टैबलेट्स लैपटॉप्स के होते हैं, और जो भी आगे सेमीकंडक्टर्स जो छोटे छोटे होते हैं, मुझे टेक्निकल नेम्स नहीं पता, ट्रांजिस्टर वगैरह जिनको कहते हैं, वो सारे प्रोड्यूस करेंगे। और उन वो जो प्रोड्यूस करेंगे वो आईफोन में भी यूज होंगे। तो बेसिकली आईफोन के स्पेयर पार्ट्स भी अब इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और अभी सिर्फ आईफोन नहीं है, अभी रिसेंटली खबर आई थी कि एप्पल के लैपटॉप भी इंडिया में बन रहे हैं, मैकबुक भी बनना शुरू हो रहे हैं। फॉक्सकॉन शुरू कर रहा है अपना, फॉक्सकॉन ने अभी एक प्लांट लिया है 300 एकड़ का कर्नाटका में, आई थिंक वो कर्नाटका में लिया है 300 एकड़ का। तो उसके उस प्लांट में ये मैकबुक बनाएंगे। तो एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ आईफोन नहीं आ रहा। दिव्य जी आज जिस तरह चंद्रयान 3 की लॉन्च के बाद पीएम मोदी यूएई के विजिट पे, उनका प्लान है जाने का, उसके अलावा दुबई से उनको ऑफर्स आ रही हैं, फ्रांस से ऑफर्स आ रही हैं, बहुत सारी जगहों पे वो साइन कर भी रहे हैं, बहुत सी भी पेंडिंग भी हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है? अभी तो वो लॉन्च भी नहीं, मतलब पूरी तरह से पहुँचा भी नहीं है, पहुँचने में भी अभी महीना बाकी है, तो इतनी महीने से भी ज़्यादा टाइम है, इतनी सारी अचीवमेंट्स इंडिया को देखने को मिल रही हैं, तो फर्दर इन फ्यूचर कितना बड़ा गोल हो सकता है उनका? गोल किस चीज से रिलेटेड, स्पेस सेक्टर के गोल या ओवरऑल कंट्री के गोल? ओवरऑल ओवरऑल कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? एक कंट्री के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ना, सिर्फ एक चीज नहीं है ना। आप ये देखेंगे पूरी दुनिया को अब चांद के और जो डेटा चाहिए साउथ पोल का, वो इंडिया से लेना पड़ेगा। सूरज का डेटा इंडिया देगा ITER के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया अपना जो GPS सिस्टम नेविक है, वो पूरा इंडियन ओशन और ये साउथ ईस्ट एशिया को कवर करेगा। तो जाहिर सी बात है
एक पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे मुल्क इंडिया से वो जीपीएस सिस्टम मांगेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मांगेंगे। आपने यहाँ था पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़ के क्या वजह? पाकिस्तान को ऑफर की थी, पाकिस्तान ने मना कर दिया, तो अभी ये जो भाड़ में जाए अगर नहीं लेना तो नहीं ले, इंडिया का ये एटीट्यूड है। ऑफर तो उन लोगों ने कर दी थी, ये बात है 2015 या 16 में शायद ऑफर की थी, ट्रांसपॉन्डर्स के हवाले से की थी। कम्युनिकेशन जो होते हैं लियो मियो जियो सैटेलाइट्स होते हैं 3 लेवल पे, उसके नीचे होते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। ट्रांसपॉन्डर के स्लॉट हर कंट्री को खरीदने पड़ते हैं, तो इंडिया बहुत एग्रेसिवली पूरी दुनिया में ट्रांसपॉन्डर के स्लॉट इसरो खरीदता जा रहा है, बिट करता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे मुल्कों को भी देंगे। अभी जैसे निसार सैटेलाइट है जो अमेरिका ने बनाई है पर उसे लॉन्च इंडिया करेगा, दोनों की पार्टनरशिप में, वो पूरी दुनिया की जियोग्राफी क्लाइमेट इन चीजों को पढ़ेंगे कि दुनिया में कब अर्थक्वेक आएगा, कब हरिकेन आएगा, नेशनल क्लाइमेटी नेशनल डिजास्टर कब आएगा। तो एडवांस में वो पूरी दुनिया को मदद करेंगे अपनी जाने बचाने के लिए, प्री प्लान करने के लिए, और जो नेचुरल डिजास्टर प्लानिंग होती है उसके अंदर। तो इंडिया के लिए देखें अगर स्पेस सेक्टर की बात करें ये है, बाकी अगर आगे गोल की बात करें 4 साल में उनका 3 ट्रिलियन, 4 साल में वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वैसे होते 4 साल में वो 5 ट्रिलियन भी पहुंच ही जाएंगे। 2030 का उन लोगों ने रखा हुआ है कि $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स करने हैं। चाइना की वैसी तबाही हुई भी है, चाइना के रोज का एक नया डेटा आता है कि चाइना डूब रहा है, थिंक टैंक्स की भी रिपोर्ट है। मेरा पर्सनल मानना भी है कि चाइना का कोई ना कोई एक टुकड़ा टूटेगा 2030 तक। हर चीज बेनिफिशियल है। और बात रही यूएई की ट्रिप की, यूएई पे जो मोदी जी गए हैं तो वो तो आ गए, 2 दिन हो गए यूएई की ट्रिप को, लेकिन अगर यूएई की बात करें तो 3 खास मुद्दे जो हुए हैं, इंडियन रुपी और यूएई के धर्म को ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी यूसेज को बढ़ाया जाए। दूसरी जो की है वो इस पे की है कि जो इंडियन सॉफ्टवेयर है बैंकिंग के और जो दुबई के सॉफ्टवेयर है इनका भी यूसेज बढ़ाया जाए, स्विफ्ट जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है उसको थोड़ा साइडलाइन किया जाए। तीसरा एमओयू जो साइन हुआ था वो आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस खोलेगी दुबई में या अबू धाबी में, जहीं कहीं पे भी मतलब यूएई में खोलेगी बेसिकली। उसके बाद एक टारगेट सेट किया है कि भाई G20 से पहले यूएई और इंडिया की बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन क्रॉस कर लेना चाहिए, एनुअल जो ट्रेड होती है इनकी बायलेटरल। उसके बाद आपको पता है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में यूएई तो इंडिया के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में के यूएई टू इंडिया जो अंडरग्राउंड ट्रेन है, फिर ये पावर क्लिप केबल्स वगैरह के इंडिया बिजली एक्सपोर्ट करेगा यूएई को और वहां से आगे सऊदी जाएगी। फिर अभी रेलवे प्रोजेक्ट्स में ITU-U2 के तहत इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट्स भी मिडिल ईस्ट में करेगा, वो है। उसके बाद अभी एक जो ट्रांजिट लॉजिस्टिक हब बनाना चाह रहे हैं कि माल इंडिया से यूएई जाए, यूएई से ट्रेन से सीधा स्विस कैनाल पे पहुंचे, स्विस कैनाल से फिर आगे शिप पे चढ़े, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। तो हर चीज में यूएई तो साथ ही है इंडिया के, ITU-U2 में भी तो यूएई और इंडिया दोनों साथ ही है ना। फिर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी यूएई की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स है, उन लोगों ने कहा है कि हम फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अभी $2 बिलियन उन लोगों ने कोई फूड पार्क में इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं यूएई ने। सिमिलरली यूएई का 80% खाना इंडिया से आता है, यूएई में 34 लाख इंडियंस काम करते हैं। इंडियंस ने यूएई के अंदर गवर्नमेंट के अलावा $84 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो आप इनके रिश्ते अलग लेवल, दुनिया के रिश्ते इंडिया के साथ अलग लेवल पे, सिर्फ यूएई नहीं दुनिया के हर एक कोने पे। एक जाने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हो रही है प्रोजेक्ट्स के लिए, और यहाँ कुछ बिलियन डॉलर का रोना रोया जाता है हर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद, कभी IMF के आगे तो कभी UAE के सामने तो कभी सऊदी अरेबिया के सामने। हम इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। आपने बात की हिंदुस्तान की अचीवमेंट्स की और प्रोग्रेस की, तो वो उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, हम उसको एट दिस स्टेज हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हम फोकस करें अपने ऊपर तो हमारी कंट्री को बीइंग अ पाकिस्तानी आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं, और डू यू थिंक इसका कोई फ्यूचर है? क्योंकि दुनिया जिस स्पीड से तरक्की कर रही है वी आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक। ठीक है, दुनिया की तो फिलहाल स्पीड कम हो गई है, फिर फिलहाल तो स्पीड में सिर्फ इंडिया ही तरक्की कर रहा है। अगर स्पीड की बात करें तो जो कोविड के बाद फिर जंग हुई, जंगों के बाद जो सिर्फ इंडिया की स्पीड है, अब देखें दुनिया कब अपनी स्पीड वापस पकड़ता है जो उनकी कोविड से पहले स्पीड थी। और बात रही पाकिस्तान को कहाँ देखकर, मैं को और बदतर से बदतर ही करते गए, तो किस तरीके से मैं पाकिस्तान के जो पुरानी राय थी मेरी वही आज राय है। तक के कोई
एक फिजिकल सिग्निफिकेंट चेंज मुझे दिखेगा ही नहीं तो मेरी राय कैसे बदलेगी पाकिस्तान के ऊपर? और डॉलर वही IMF से आया, सऊदी अरब से आया, UAE से आया, न्यूज चैनल खोलो तो वो खुश। करूं जो लोन ले आने पे खुश हो रहा है, इस तरह खुश हो रहा है जैसे पैसे कमाए हो इन लोगों ने। कर्जा लेने के बाद भी उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। किसी भी प्लान में, किसी नेक्स्ट फर्दर फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। उसको दोबारा जो है यूटिलाइज कर दिया जाता है फजूल चीजों में। जैसे 400 मिलियन इन्वेस्ट करने के झंडे के लिए क्या जरूरत थी? किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं आप लोग? कंपैरिजन तो अब पाकिस्तान का बनता है अफगानिस्तान के साथ करें। अफगानिस्तान का आपको डॉलर का रेट पता है? अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान के अंदर अंदर जो डॉलर का रेट है वो मेरे ख्याल से 93 या 100 के करीब है। अफगानिस्तान में अभी दो चार 5 दिन पहले ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वो ऑयल भी निकाल रहे हैं। मतलब अब आने वाले वक्त में अफगानिस्तान ऑयल भी एक्सपोर्ट करेगा। अफगानिस्तान में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं जो अमेरिकन बेसिस थे। जाहिर सी बात है अमेरिकन बेसिस पे जो क्रिटिकल कह लें या अंडरग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पहले से अवेलेबल था। पानी की लाइनें, गैस की लाइनें, बिजली की लाइनें वो पड़ी भी थी, बस उसको रिफर्बिश करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप और फिर अफगानिस्तान से भी कंपेयर करें। पाकिस्तान में अभी भी हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से 12 सोल्जर्स शहीद हो गए। अभी कुछ दिन पहले रावलपिंडी में 9 सोल्जर शहीद हो गए अफगान तालिबान की तरफ से। बलूचिस्तान में इस तरह की न्यूज हर आए दिन सुनने को मिलती होती है। अभी तक हम अपने स्कूल, मस्जिदों पे, मंदिरों पे हमले तक बंद नहीं करवा सके, हम उनको डेड करवाना बंद नहीं करवा सके। हमारे यहाँ डेड शॉट इतनी नॉर्मल बात है, राह चलता कोई मर जाए, लड़की गायब हो जाए, इट्स जस्ट कंसीडर्ड अ नॉर्मल थिंग। जबकि दुनिया इतनी माइनर माइनर चीजों को अपनी सेफ्टी के लिए ऑब्जर्व करती फिर रही है, और हमारे यहाँ जेलें भरी पड़ी हैं उन लोगों से जो बेगुनाह है, और बाहर वो फिर रहे हैं जो गुनाहगार हैं। तो हम इन चीजों को कब सेटल करेंगे? ये बहुत ज्यादा हमारी कंट्री को जो है फ्लॉज की तरफ लेके जा रही है चीज। कभी भी नहीं करेंगे सेटल, कभी भी नहीं करेंगे। क्या वजह है? वजह आइडियोलॉजी होती है। मुल्क आपके आइडियोलॉजी पे नहीं चलते, मुल्क आपके किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। मुल्क चलते हैं कानून पे, मुल्क चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। इधर मुल्क चल रहा है आइडियोलॉजी पे। जो लीडर आता है अपनी आइडियोलॉजी लेके आता है। अभी शहबाज शरीफ है तो उनकी आइडियोलॉजी है, कल कोई और होगा उसकी आइडियोलॉजी होगी। तो हमारे जितने भी ऊपर बंदे चेंज हुए हर बार एक नई आइडियोलॉजी आई है। कानून को तो कभी लेके ही नहीं है ना, ना कानून, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई पॉलिसीज, ना इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी नहीं। और देखें हमारी वैसी सोसाइटी अब एंटी एजुकेशन हो चुकी है। तो बेसिकली 21st सेंचुरी में अगर आप एंटी एजुकेशन है तो आपके अंदर और अमेजोन ट्राइब में, अमेजोन जंगलों में जो वो ट्राइब ट्राइबल लोग रहते हैं ना उनमें कोई कोई फर्क फर्क नहीं है नहीं ज्यादा। है, कोई फर्क नहीं है। वो आपसे बाय द वे ज्यादा बेहतर है। इसके ऊपर भी रिसर्च हुई हुई है साइंटिफिकली। वो जो अपने गांव, अपने शहर जो जंगल में जिस तरह बनाते हैं उनमें बीमारियां पाकिस्तानियों से कम है और उनको अपने आसपास की नॉलेज पाकिस्तानियों से ज्यादा है। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क का भी नहीं पता। तो अगर आप टेक्निकली अगर एक छोटी छोटी बात में जाएंगे तो वो हमसे भी एडवांस है। ऐसे ही देवेक जी, गजब गजब बिस्ती हो रही है। इससे ज्यादा हम पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर बहुत फ्लॉज हैं, हमें काम करने की जरूरत है। अब तो ये कहना भी कि इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, कंपैरिजन करते हुए भी लिटरली खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि यार क्या कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक चीज चांद पे है और एक जमीन पे, और हम दोनों को जोड़ रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच देविक जी फॉर योर टाइम। होपफुली हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, आपको भी मजा आया होगा। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। फर्दर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से हाजिर होते रहेंगे। और देविक जी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इनकी सारी डिबेट, इनके आर्गुमेंट्स कैसे लगे, ताकि हम नेक्स्ट फर्दर भी बुला सकें। तब तक के लिए मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।